गणेश जी को मैं पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, क्योंकि ही इज़ द वन हु गेव मी द फर्स्ट ब्रेक। तो पहली बार जब किसी को कोई ट्रस्ट करता है तो बहुत वैल्यू होती है उस आदमी के लिए, तो उतनी ही रिस्पेक्ट गणेश जी के लिए है। और जब इस फिल्म के लिए उन्होंने बुलाया तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी उनसे पूछने की, उन्होंने बस ये बोला मैं फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप मुझे बता देना कब से शूट है, मैं आ जाऊँगा। तो कहते पहले तो कहानी तो सुन ले। मैंने कहा कहानी क्या है? तो कहते हैं कि दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा रोल क्या है? कहते तू एक ब्रदर है उसमें। कहते हैं, मैंने कहते दूसरा भाई मैं हूँ। तो मैं एक सेकंड के लिए हो गया कि जुड़वा भाई हैं और आप और मैं जुड़वा भाई के नाम। तो मैंने कहा भाई आप पतले हो रहे हो या मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे बता दो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा वही गाने का ट्विस्ट है, और हमारी जो टैगलाइन है हिब्रो की जुड़वा विद अ ट्विस्ट, वो यही ट्विस्ट है कि दो भाई हैं, आइडेंटिकल नहीं है, और वही हमारा मेन खासियत थी। सो वी स्टार्टेड ऑफ एंड टुडे वी आर सिटिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। गणेश जी के साथ तो मतलब मेरे लिए थोड़ा रोल चेंज हो गया, क्योंकि जब पहली बार मैंने उनके साथ काम किया था तब वो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म थे और मैं एक्टर था, तो मैं वैसे ही बड़ा नर्वस था। मेरी पहली फिल्म थी तो एक अलग ही जो लेवल हो जाता है। बट आफ्टर नोइंग फॉर 7-8 ईयर्स आई नो द काइंड ऑफ कूल गाय इज, एंड दिस टाइम ही इज़ नॉट द डायरेक्टर, ही इज़ द एक्टर, ही इज़ द को एक्टर एक्चुअली, एंड वी आर प्लेइंग ब्रदर्स, एंड जिसमें जुड़वा है और मैं उन्हें उसमें मार भी रहा हूँ और मैं उन्हें बुली भी कर रहा हूँ और परेशान भी कर रहा हूँ और वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, बिकॉज फॉर गणेश जी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट विच आई हैव फॉर हिम, तो वो ब्रेक करने में टाइम लग रहा था मुझे। बट फाइनली व्हेन इट हैपेंड देन वी वर जस्ट फ्लोइंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सच अ गुड एक्टर। बहुत मस्ती और बहुत मज़े से हमने किया, और बेस्ट पार्ट ये थी कि जो हमारी फिल्म की जो शूट है वो गाने से शुरू हुई है। सो डीजे मेरा गाना बजा दे, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट, 9th May वी स्टार्टेड शूटिंग। सो टिल द टाइम द टॉक्स वर हैपनिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि भाई क्या फिल्म बन रही है, ठीक है ऐसा सेटअप है। बट डीजे विद ऑलमोस्ट लाइक 500 क्राउड एंड 200 डांसर्स अराउंड, आई एंटर्ड द सेट माई फर्स्ट टाइम, और मैं ऐसे देख के नम हो गया था, बिकॉज इट वॉज मैसिव and I was not expecting that, first day of the shoot and so many people standing for you, and जो एक होता ना कि भाई you enter and everybody's like अच्छा हीरो आ गया, and I was just wondering अरे मतलब okay this is happening for good, so it was really exciting the way it started। और उसके बाद 9th May से जो kick start हुई अपनी फिल्म, we wrapped up in like 45-50 days, and फिर तो वो joy ride थी पूरी, मतलब it's still happening, it's still I'm living a dream, even after the जब shooting चल रही होती थी DJ की, मेरा जब पैकअप हो जाता था, नूपुर के शॉट्स चल रहे होते थे, आई वॉज स्टिल देयर ऑन द सेट जस्ट टू एन्जॉय द होल एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू लिव इट टू द फुलेस्ट। एंड अगेन दिस लॉट ऑफ एक्शन इन द फिल्म विच आई लव डूइंग इट, अब्बास अली मुगल हैज डन द एक्शन, एंड इट वॉज सो मच, इट वॉज सो एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग टू डू दोज एक्शन सीक्वेंसेज। सो इट वॉज, इट्स बीन अ फन राइड टिल नाउ, एंड आई जस्ट होप इट जस्ट टर्न्स आउट इन अ गुड रिजल्ट फॉर अस। जो दो भाई हम जुड़वा भाई जो प्ले कर रहे हैं इसमें, गणेश जी बहुत मस्करे दिखाए हैं फिल्म में और बहुत फन लविंग टाइप है, मैं थोड़ा सा एंग्री यंग वाले स्पेस में हूँ इसमें, थोड़ा इंटेंस हूँ और नो नॉनसेंस वाला कॉप हूँ। तो सलमान तो दमंग में बिल्कुल ही मतलब पूरे मूड और पूरे उसमें थे, तो इट्स टोटली डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम दैट, दिस इज एक्चुअली कम्प्लीटली ऑफ हाउ आई चेंज इन द फिल्म, हाउ माई ब्रदर कम्स एंड चेंजेस मी एंड हाउ थिंग्स हैपन, दैट इज येस इट गोज इन अ लिटिल कैजुअल जोन आफ्टर अ पॉइंट, बट नो इट इज़ टोटली अपोजिट फ्रॉम द दमंग फिल्म, टोटली। मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे ट्रेलर को अप्रिशिएट किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे सॉन्ग्स को अप्रिशिएट किया है, बिरजू को गाना बजा दे, द लव विच यू हैव शोन टिल नाउ, वी जस्ट वॉन्ट द सेम थिंग टू बी शोन टू द फिल्म ऑल्सो, बिकॉज येस वी हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ लव स्वेट इन दिस, एंड वी कैन अश्योर यू दिस कि आप लोगों को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, गर्लफ्रेंड के साथ, गर्ल फ्रेंड्स के साथ, जिसको लेके जाना है जाओ, लेकिन मज़ा आने वाला है, ये गारंटी है। तो मसाला एंटरटेनर जो बहुत टाइम से लोग मिस करते हैं, बिकॉज इंडियन अपनी इंडियन जो फिल्म्स होती हैं, इट इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट द सॉन्ग, रोमांस एंड कॉमेडी एंड एवरीथिंग, इमोशंस एंड एवरीथिंग, सो यू विल गेट एवरीथिंग इन द फिल्म, एंड आई एम श्योर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द थिएटर यू विल बी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी फॉर। So please go watch Hey Bro 27th Feb and you will have a great time.